कैसे हो आप लोग? अगर नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों। अगर नए हैं दोस्तों तो इस चैनल पर बने रहिए दोस्तों, ऐसे हिंदी से संबंधित अनेक टॉपिक के वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं दोस्तों। जाके डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, आज बताने वाला हूँ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों हिंदी का टॉपिक है दोस्तों संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है दोस्तों, इनके क्या क्या उदाहरण होते हैं, देख लेते हैं दोस्तों इस वीडियो में। एक ही वीडियो के बाद कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा दोस्तों, देख लेते हैं। संज्ञा दोस्तों, संज्ञा क्या होता है दोस्तों? किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या भाव के नाम को दोस्तों संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, राम मोहन और प्रयागराज दोस्तों, देख लिया उदाहरण है ये तो, राम मोहन और प्रयागराज दोस्तों। इसके बाद देखते हैं इनके प्रकार कितने, इनके पांच प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं पेपर में आएगा, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, तो लिखोगे पांच। संज्ञा के प्रकार दोस्तों पांच होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 5 है समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद देख लेते हैं पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, देख लेते हैं जिससे किसी व्यक्ति का बोध होता है। जिससे व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिनेश, सरिता और रामायण, ये मुख्य उदाहरण देखे देश व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रमुख उदाहरण है। दिनेश, सरिता, रामायण, इनसे बोध ये हो रहा है कि व्यक्ति है दोस्तों। सरिता व्यक्ति है, दिनेश भी व्यक्ति है, रामायण भी क्या है, एक ग्रंथ है दोस्तों, देख लेते हैं दोस्तों। नंबर 2 जातवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो व्यक्तियों या वस्तुओं का संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, जातवाचक संज्ञा कहते हैं। देख लेते हैं इसके उदाहरण है, रिश्ते, मामा चाचा, मामी मामा, पद, अधिकारी, डीएम एसडीएम जैसे उदाहरण। व्यवसाय दोस्तों, कोई व्यवसाय करना, बिजनेस करना, उसे क्या कहते हैं, जातवाचक संज्ञा दोस्तों कहते हैं। देख लेते हैं नंबर 3, अब आता है नंबर 3, देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लेते हैं। इसमें प्रेम, घृणा, आश्चर्य शब्द का बोध होता है। जिसमें प्रेम, घृणा और आश्चर्य शब्द का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं, प्रेम, भाव, प्रेम अंदर से किया जाता है ना, तो भाव आ रहा भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी एक भाव है दोस्तों, सज्जनता भी एक भाव है, तो ये क्या है प्रमुख उदाहरण भाववाचक संज्ञा के, प्रेम, ईमानदारी, सज्जनता दोस्तों प्रमुख उदाहरण। अब देख लेते हैं दोस्तों नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके प्रमुख उदाहरण क्या होते हैं देख लेते हैं दोस्तों। इसकी पहचान क्या है, जिस जिस संज्ञा या सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जिसमें सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। इसमें किसी द्रव्य, सामग्री, पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देख लेते हैं जैसे ठोस पदार्थ, सोना, चांदी, लोहा दोस्तों, और देख रहे घी और दही, ये भी प्रमुख उदाहरण है द्रव्यवाचक संज्ञा के दोस्तों। देख लेते हैं नंबर 5 है क्या है, समूहवाचक संज्ञा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो समूह या समुदाय, वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, समूह आदि के द्वारा की जाती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। देख लेते हैं प्रमुख उदाहरण, नक्षत्रों का समूह, पर्वतों की श्रृंखला, ढेर सारे समूह है दोस्तों। पर्वतों की श्रृंखला है, नक्षत्रों का मंडल है दोस्तों, ताराओं का समूह है दोस्तों, ये प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए दोस्तों, ऐसे वीडियो अनेक उपलब्ध हैं।